Good morning, class. So previously we discussed the chapter second, and the topic mostly we are covered. But today we discuss the topic related to separation of solid, liquid, and mixtures. Okay. Any one of the following method can be used to separate the quantity of two. जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड की बात हो रही है, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, जब कोई सॉलिड है और दूसरा उसमें लिक्विड है, देन उसको हमें सेपरेट करना है, तो हाउ वी सेपरेट दिस पर्टिकुलर मेथड्स? वी हैव द सिक्स टाइप्स मेथड लाइक दैट: फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकंडेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर दैट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss the filtration, the principle. जो filtration process है वो एक principle पे work करती है, process पे work करती है. वो principle है कि actually the any soluble light, the solid substance can be separated from the liquid by this method. सबसे important thing ये है कि insoluble light solid, जो solid है वो light है, हल्का है liquid के compare में. liquid weighted है और जो substance solid form में है वो उससे light है, तो then वो इजिली सेपरेट कर सकते हैं उसको बाय दिस मेथड. एंड फिल्ट्रेशन पार्टिकल ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी पास थ्रू द फिल्टर पेपर व्हिच द अदर कैन नॉट. उसमें से एक जो है वो पास कर जाता है फिल्टर पेपर को और दूसरा उसमें रिड्यूस के टाइप से बच जाता है. एक पास हो जाएगा तो उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं और वो निकल जाते हैं, और दूसरे के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े रहते हैं जो कि लाइट हमें ओके वो पेपर पे रुक जाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. सच एज द चॉक पाउडर प्रेसिपिटेट ऑफ द बेरियम सल्फेट और द सिल्वर क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से एग्जांपल हमारे पास है प्रेसिपिटेट के टाइप पे बेरियम सल्फेट और दूसरा सिल्वर क्लोराइड है. प्रेसिपिटेट के टाइप से व्यवस्था इसको सेपरेट कर सकते हैं वाटर से हम इस प्रोसेस के रिगार्डिंग. Application of filtration, the supply of drinking water in acidity and the separation of the sedimentation and decantation process. Okay, ये topic है, ये applications मैं दोबारा से repeat कर रहा हूँ because some topics are not clearly but in the previous video. So literally I am simply repeat again. Okay, so first, the supply for drinking water in a city by the following steps involved. First of all, the sedimentation tanks. So, first the use a tank is called sedimentation tank. Here, the large particles to be settled down, okay, and the light particles flow out the passes through this process. The first tank है उसमें sedimentation process जो हो रही है इस tank में, उसमें जो large particle होते हैं, कुछ तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ से रोक लिए जाते हैं प्रोसेस के थ्रू, और जो वाटर है वो आगे की तरफ पास कर दिया जाता है. देन द लोडिंग टैंक, एक लोडिंग टैंक आता है. द लोडिंग टैंक आल्सो द सेटल डाउन द सम इम्प्योरिटीज लाइक एन प्रेजेंटेड वाटर एंड द लास्ट द देन द फिल्ट्रेशन टैंक. द फिल्ट्रेशन टैंक आल्सो द प्रिवेंट द इम्प्योरिटीज बाय द फिल्टर पेपर और अदर टाइप ऑफ द प्रोसेस इन दिस. एंड क्लोरीनेशन टैंक, क्लोरीनेशन एक्चुअली दिस द टैंक फॉर द medicinal part of this. Actually the here the chlorination is MnO4 actually present in the water. जो water आ रहा है उसमें chlorination किया जाता है, उसका MnO4 एक दवा होती है, इसको हम लोग potassium carbonate के नाम से जानते हैं, हिंदी में लाल दवा का नाम से जाना जाता है उसको. तो उसका उसमें mixup किया जाता है, then the germs or bacteria spill down here the chlorination tank. And the last high storage tank, the high storage tank में इसको store करते हैं and then supply your homes. Okay, the separation of sedimentation and decantation. The sedimentation or decantation process है वो actually the sedimentation or decantation is the both the process in one process. The process of the setting down the heavy insoluble particle in the mixture to the water called sedimentation. ये वो process होती है कि settle down जहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे की तरफ, और इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन. द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड आफ्टर द सेडिमेंटेशन विदाउट द डिस्टर्बिंग द
the sedimentation in solid particles is called decantation. Decantation is इसका एक पार्ट है कह सकते हैं, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे जो प्योर लिक्विड है आगे ट्रांसफर किया जाएगा सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेटल डाउन करके रोक लिया जाता है एंड देन आगे जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिकंडेंसेशन। एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ द पल्सेस एंड अ वाटर एंड अ मिक्सचर ऑफ द मड एंड वाटर एंड अ मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड वाटर कैन बी इजीली सेपरेटेड दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू से हम एग्जांपल हमने हमारे पल्सेस और वाटर को जैसे पल्सेस को वॉश करते हैं वाटर के साथ तो हम हल्के से रोक के उसको पानी को निकाल देते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स है सेटल डाउन होते हैं वो रुक जाते हैं और पानी जो है वो आगे की तरफ निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हम मड और वाटर को कर सकते हैं। और दूसरा सेपरेशन ऑफ बाय इवेपोरेशन, जो सेपरेशन है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू बहुत ईजिली आसानी से हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ द ऑब्टेंट आने का नाम वॉलेटाइल सब्लिबल सॉलिड फॉर्म इन सॉल्यूशन बाय अलाउइंग द लिक्विड कंपाउंड इज वेपोराइजिंग कॉल्ड इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो सॉल्युबल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है, जो वॉलेटाइल मतलब जो प्रोसेस में नहीं है, जो एक्टिव नहीं है नॉन वॉलेटाइल, वो सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो रुक जाते हैं और जो दूसरा लिक्विड पार्ट होता है उसको वो जब हम उसको हीट करेंगे वो इवेपोरेट करके इजीली निकल जाएगा। तो देन रिड्यूस जो हमारे पास बच रहा है दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द सेपरेशन। तो सेपरेशन का उस पार्ट होगा मतलब जो भी मिक्सचर है उस मिक्सचर का पार्ट क्या है, जो सेपरेट पार्ट निकल के आएगा और जो लिक्विड फॉर्म है वो डिसअपीयर हो चुका होता है, निकल चुका होता है, दैट इज इवेपोरेशन प्रोसेस बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस। एग्जांपल शुगर कैन बी सेपरेट फ्रॉम द शुगर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर सॉल्यूशन से शुगर को निकालना है तो हम क्या करेंगे, दैट हीट अप एंड द इवेपोरेशन प्रोसेस, सो द वाटर इज डिसअपीयर्ड एंड द शुगर रिमेन सेम। Another example is for dye dissolved in the carbon disulfide and can be recovered. अगर हम सल्फर डाई सल्फर के सोल्यूशन को कार्बन डाइसल्फाइड से अगर हमें निकालना हो तो हम इसको इस प्रोसेस से रिकवर कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन, इसके क्या एप्लीकेशन है, सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो सी वाटर से कॉमन सॉल्ट जो निकाला जाता है जिसका हम लोग यूज करते हैं वो भी एक इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ही सेपरेट किया जाता है। ओके, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन लिक्विड फ्रॉम द वेपर एंड कूलिंग द वेपर टू गेट द लिक्विड अगेन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब वो प्रोसेस होता है जब हम हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं, ये भी लगभग इवेपोरेशन जैसे सेम प्रोसेस होते हैं, बट वहाँ पे जो इवेपोरेट हो रहा है वो डायरेक्टली डिसअपीयर हो जाता है, उसको हम कलेक्ट नहीं कर रहे, बट हियर वी कलेक्ट, जो हमने इवेपोरेट किया इवेपोरेट करने के बाद उसको हम एक प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद एक लिक्विड फॉर्म बनती है, जो वेपर है पहले हीट करते हैं तो वेपर बनती है एंड वेपर कूलिंग डाउन होने के बाद में फिर से लिक्विड में आ जाती है, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। द प्रिंसिपल डिस्टिलेशन का जो क्या है, क्या है, वेपर ऑफ द लिक्विड आर कूल्ड एंड कंडेंस्ड टू द गिव बैक द प्योर लिक्विड, द रिकवर्ड लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड द डिस्टिल्ड व्हाइल द सॉलिड इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। क्लियर दैट, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हम जो पेपर बनाते हैं उसको कूल्ड करते हैं या कंडेंस करते हैं, कंडेंस का मतलब उसको ठंडा करके ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, और यहाँ से हमें प्योर लिक्विड फॉर्म हो जाता है और इस लिक्विड कंपोनेंट को ही हम डिस्टिल्ड कह सकते हैं, जबकि जो बच रहा है वो उसको रिड्यूस हो जाता है। अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर और सॉल्ट का, सॉल्ट वाटर कहते हैं इसको हम। अब अगर हम इसको डिस्टिल्ड करते हैं तो वी कैन सेपरेट इनटू द सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट अलग कर सकते हैं और वाटर अलग कर सकते हैं द बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर निकल जाता है देन सॉल्ट रिड्यूस होता है, बट यहां हमने वाटर को भी कलेक्ट कर लिया है एंड सॉल्ट को भी कलेक्ट कर लिया है। सेपरेटिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड इन अ मिक्सचर बाय द चूर्निंग एट हाई स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये वो प्रोसेस है इसमें हम सेपरेट करते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, बता चुके हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कोलाइडल सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, तो सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब वो बड़े पार्टिकल जो हमें दिखाई देते हैं क्लियरली, उन पार्टिकल्स को हम लिक्विड मिक्सचर से अलग करने की प्रोसेस करते हैं, इसमें हमें हाई स्पीड उनका चूर्निंग करते हैं, जैसे रहेगा फेंटना या उनको इस तरह से मथना उनको बोल सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं।
लाइक एग्जाम्पल ब्लड कैन बी सेपरेटेड इनटू द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, अगर हमें प्लाज्मा को अलग करना है ब्लड से क्लियर और उनके सेल्स को, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में करते हैं, एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर की मशीन होती है उसमें हम डाल के और जब उसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो उसमें से जो सेल्स हैं और जो प्लाज्मा वो अलग अलग सेपरेटेड हो जाता है। दूसरा क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क, जैसे मिल्क को मिल्क में से हम क्रीम अलग करते हैं, घर में हमने प्रोसेस देखी होगी जनरली घी बनाते समय जब बनाते हैं होममेड घी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड, अगर कर्ड से हमें बटर निकालना है तो उस कंडीशन में हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को करते हैं। ओके, सेपरेशन बाय द क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ व्हाट द सेपरेशन ऑफ द सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एमएस सेट दिस एंड द रशियन बॉटनिस्ट इन द 1906, तो 1906 मींस 1906 में बात हो रही है बॉटनिस्ट थे रशिया के जिन्होंने इस टेक्निक को बनाया था क्रोमैटोग्राफी को, और क्या किया था इसने, दिस इज द मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस एंड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स ऑन द सूटेबल एब्जॉर्प्शंस, ठीक है ना, वो सब्सटेंस या उन पार्टिकल्स की बात हो रही है जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं, अच्छे से मिक्सअप हैं आपस में, लेकिन इस प्रोसेस में हम उनको इस तरह से सेपरेट करते हैं जो ज्यादा मात्रा में हो रखता है, मतलब एक ज्यादा क्वांटिटी में और एक कुछ कम क्वांटिटी, बट पूरी तरह से सॉल्युबल है, पूरी तरह से मिक्सअप है, अब्सॉर्ब्ड है, बट फिर भी हम उस को डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं, क्रोमैटोग्राफी को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। देयर आर द टाइप ऑफ द क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी एंड ग्रास क्रोमैटोग्राफी। तो व्हाट इज द पेपर क्रोमैटोग्राफी, द पेपर क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द मिक्सचर्स इन द सब्सटेंस इज अप्लाइड टू the stationary phase which may be solid or liquid, यहाँ पे paper chromatography है just like a filtration process, यहाँ पे paper का use करके एक special तरीके का paper है जहाँ पे हम liquid solid को अलग करने का काम कर रहे हैं। okay, so इस यहाँ पे क्या होता है कि mixture of substance applied into the stationary phase, एक जो substance जो mixture के अंदर substance है उनमें हम एक phase तैयार करते हैं जो stationary phase, मतलब एक रुकी हुई phase रहती है, स्टेबल कह सकते हैं उसको, उस फेज में रहता है ना बीच में भी सॉलिड लिक्विड, वो लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द एंड अदर एंड द मूविंग फेज इज कॉल्ड द मोबाइल फेज, और एक मूविंग फेज होती है, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज है, मूविंग फेज है, मतलब जब क्रोमैटोग्राफी का यूज करेंगे तो जो सब्सटेंस सेपरेट हो रहा है वो अलग अलग फेज में जाकर कलेक्ट होता है, एक स्टेशनरी एक रुका रहेगा और एक उसमें से सेपरेट होकर मूव होकर निकल जाएगा, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। द सेपरेशन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन, इनका मेनली जो यूज होता है वो केमिकल रिएक्शन में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी यूज द इन फॉर्मेक्स साइंस टू द डिटेक्ट द प्रेस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लाइक द पॉइजन इन द गॉलब्लैडर्स एंड द स्टमक, जैसे कि मर्डर केसेस में अक्सर होता है कि जो फोरेंसिक साइंस होती है वो हमारी इसी जगह पे बहुत अच्छे से काम करती है, इस टेक्निक्स पे काम कर पाती है कि अगर रात में हमने क्या खाना खाया, हमारे गॉल ब्लैडर में क्या चीज़ थी, जो क्या पॉइजन था या कुछ और क्या था जिसकी वजह से डेथ कॉज हो जाती है, तो ये हम सिंपल इस टेक्निक से जान सकते हैं, जान पाते हैं। द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड सैंपल ऑफ द मिक्सचर्स एंड सच एज द इंक डाई पिगमेंट्स एंड फ्लावर्स, जैसे कि फ्लावर्स से रिलेटेड जो उनके कलर होते हैं, जो डाई निकालते हैं, जो उनका इंक निकालते हैं, वो भी इस पेपर क्रोमैटोग्राफी से पता लग जाता है, क्योंकि दो मिक्सचर होते हैं, पेपर रुक जाता है उस बाद में उसमें से वो रिड्यूस अलग कर लिया जाता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन द क्रिस्टलाइन कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्रिस्टल फॉर्म होते हैं छोटे छोटे पीसेस फॉर्म, जैसे लंप्स जस्ट लाइक शुगर, शुगर भी क्रिस्टल के फॉर्म में है, शुगर जो ओरिजिनल शुगर होते हैं बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स के टाइप होते हैं, बाद में उसको चूर्ण किया जाता है, उसको छोटे बारीक टुकड़ों में किया जाता है, तो इस प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस में होता क्या है कि पहले हम उसको कोलिंग का हॉट एक प्रोसेस के साथ पहले उसको बहुत तेजी से हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, देन उसको फिर कोल करते हैं, और ऐसी प्रोसेस रिपीटेड होती रहती है, और देन वो फिर क्रिस्टल की फॉर्म क्रिएट हो जाती है बार बार गर्म और ठंडा करने से। द प्रिंसिपल इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सब
solubilities of the compound and the impurities of the solubility solubility जो solvent के साथ solubility के जो घुलनशीलता है मतलब पूरी तरह से घुला हुआ है बट कुछ impurities के साथ आ जाती है तो उन impurities को अलग करने की process को करने के लिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं the solution can then concentrated by heating the gelatin on a water both to get the nearly separated solution now the cooling the hot saturated solution the crystal or the pure compound is obtained from the remain removed by filtration अब हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में अभी बता चुके हैं कि पहले हम सॉल्यूशन को जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको हीट अप करते हैं देन कूल करते हैं और एक ऐसी टेंपरेचर पे ले आते हैं कि जहां पे उस रिड्यूस सब्सटेंस के क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस का भी पार्ट हो सकती है द एग्जांपल क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंप्योर सैंपल ऑफ द कार्बन सल्फाइड अगर कार्बन सल्फेट जो कॉपर सल्फेट है उसके इंप्योर सैंपल से अगर प्योर कॉपर सल्फेट निकालनी हो तो हम क्रिस्टल की फॉर्म में निकाल सकते हैं क्लियर इट द सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर अब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात हो रही है द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स कंटेनिंग मिक्सचर्स आर मोर लिक्विड इनमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड ये होते हैं जो मिसिबल सब्सटेंस होते हैं और एक होते हैं नॉन मिसिबल सब्सटेंस या इनमिसिबल कह सकते हैं एक मिसिबल का मतलब होता है मिक्सअप हो जाना अच्छे से और एक इनमिसिबल का मतलब मिक्सअप ना हो पाना तो दो तरीके के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे जो लिक्विड लिक्विड सेपरेशन है वो दो अलग अलग तरीके से है तो मिसिबल लिक्विड्स में दो लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन फ्रॉम वन सिंगल लेयर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड यहाँ पे जो लिक्विड मिक्स है वो पूरी तरीके से प्रोपोर्शन में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है सिंगल लेयर फॉर्म करता है और मिसिबल लिक्विड बनाता है फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल एंड वाटर एल्कोहल एंड वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएंगे बट एक सिंगल लेयर के साथ ईजिली दिखाई पड़ेंगे और हम इनको मिसिबल कह सकते हैं Invisible liquids, those are liquids which do not mix together in all proportion, वो किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से मिक्स नहीं होंगे अच्छी तरीके से और एक अलग लेयरिंग दिखाएंगे एंड फ्रॉम सेपरेट लेयर कॉल्ड द मिक्सचर और अलग सी लेयर दिखाई पड़ेगी उनके बीच में फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर जब वाटर पे हम फाइल डाल दें या फाइल जाता है तो हमें क्या देखते हैं कि ऑयल अलग से तैरता हुआ नजर आता है वाटर के नीचे लेयर रहती है दैट इज अ इमिसिबल एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड ओके सो इसको सेपरेट करने की प्रोसेस है मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं जबकि इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फनल जबकि जो इमिसिबल है वो उनको हम सेपरेटिंग फनल एक स्पेशल तरीके का अपैरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं By using the separating funnel and the friction distillation, okay, we have a figure also. A mixture of the two invisible, जो two invisible liquids हैं, उनकी बात कर रहे हैं, which is the intermixing from two distinct layer can be separated by using the apparatus called the separating funnel. ये जो apparatus आपको दिखाई दे रहा है, that is the separating funnel. इसमें separating funnel is that cap like structure होती है, column बना होता है, mixture की तरफ एक भर दिया तो क्या होगा जो हल्के पार्टिकल्स वाले होंगे वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे जो हैवी पार्टिकल्स वो नीचे की तरफ ऑटोमेटिक सेटल होते चले जाएंगे अब यहाँ स्टॉपर से इनको बाद में धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट कर सकते हैं इजिली ओके Now the examples, a mixture of the groundnut oil and the water, groundnut oil water को करने के process में, a mixture of the petrol and water में भी ऐसा होता है, a mixture of benzene and water, benzene और water के condition में भी यही हम apply करेंगे, the mixture of chloroform और water के regarding भी यही हम लेंगे, note that the chloromercury, chloroform and carbon disulfide are heavier than the water, जो mercury है, chloroform है, carbon disulfide होती है, वो heavier होती है water से, heavy होगी, तो क्या होगा तो जो हैवी है वो पहले आएगा क्लियर इट यानी हर बार वाटर आएगा वाटर से जो भी हैवी होगा मीन जो भी हैवी पार्टिकल्स वाला होगा वो पहले सेटल डाउन होगा पहले निकल आएगा और जो लाइटर है वो रुका रहेगा बाद में आएगा क्लियर उसको बाद में बट कलेक्टेड फर्स्ट इनको बाद बेंजीन एंड ईच अदर लाइटर देन द वाटर सो कलेक्टेड सेकंड जैसे कि बेंजीन है या दूसरे जो टाइप के हैं
ऑयल वो हम उनको बाद में कलेक्ट करेंगे, उसमें वाटर फर्स्ट कलेक्ट क्लियर इट। सेपरेशन बाय क्रिस्टल डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स विद द डिफरेंट डिफरेंस इन देयर द बॉइलिंग पॉइंट डस्ट टू boiling point close to the each other into the individual components by the distillation is called the friction distillation. जो friction distillation है वो boiling points के ऊपर depend करता है कि अलग अलग components के अलग अलग boiling points set रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा boiling point वाला होता है, बहुत कम boiling point वाला होता है, तो उस condition पे पहले हमें heat करना होता है, then cool करना होता है, फिर condense करना होता है, फिर liquid form बनानी होती है, तो एक लंबी process होती है, उस लंबी process के regarding हम यहाँ पे figure आपको दिखाते हैं। This types of friction distillation column apparatus ये भी distillation प्रकार का apparatus होता है, जिसमें ये column like structure होती है, यहाँ से हम liquids को करते हैं और गैस छोटे छोटे blocks के साथ ये settled होता चला जाता है और last में आके उसको collect कर लेते हैं। ये अलग तरीके का है जहाँ पे दूसरे और ज़्यादा तरीके से मिसबेल जो separated liquids है उनको separate करने की process है, फिर इसी तरह से ये है, फिर इसी तरह से, तो अलग अलग डिजाइन्स के अवेलेबल होते हैं अलग अलग तरीके के पैटर्न से, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस के मतलब सिचुएशन में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के लिक्विड फॉर्म हो सकते हैं जिनको हम सेपरेट करेंगे मिसबेल कंडीशंस में, तो अलग अलग तरीके से। तो जो फ्रिक्शन डिस्टिलेशन अपरेटस है लाइक दैट एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ द अमोनिया एंड वाटर, अगर हमको अलग करना होगा तो हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, जो हमारा फ्रिक्शन डिस्टिलेशन है हमारे लिए क्यों जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई जगह हम उसका यूज करते हैं। वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शन डिस्टिलेशन एंड सेपरेट बाय द गैसेस इन अ वेयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो एनवायरमेंट गैस है उसमें से बाद में गैसेस को अलग करना, क्योंकि एयर एक पूरा गैसेस का मिक्सचर है। ओके, अब उसमें से हमें हर गैस को अलग अलग करना है, तो वो हम किस प्रोसेस से करेंगे, वो हम इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री मेजर कंपोनेंट, जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हैं हमारे एयर में वो है नाइट्रोजन आर्गन एंड ऑक्सीजन। तो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट में है और हमारी जो है आर्गन है -186 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड हाइएस्ट, ये हाइएस्ट है, ये लोएस्ट और ये मिडेस्ट में। सो जो फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में एक पूरा फिगर है हमारे पास अच्छा सा, तो सबसे पहले एयर को हम यहाँ से लेके लेते हैं और उसको फिल्टर प्रोसेस पे लेके आते हैं, देन इस जगह एक रोटेटर लगा होता है पिस्टन के थ्रू, एयर पिस्टन लगे होते हैं जो इसको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद क्योंकि एयर में प्रेशर रहता है उसको हम इजीली कंप्रेस करते हैं, बिकॉज गैसेस फॉर्म में है गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्लियर दैट इट। अब हमने यहाँ पे अच्छे से कंप्रेस किया है और उसको हॉट एयर यहाँ से, क्योंकि हवा गर्म होती है एक्चुअली, अब यहाँ से लाने के बाद हम इस जगह उसको लेके आते हैं एंड देन वाटर एंटेड, यहाँ से हम वाटर डालेंगे जिससे ये कोल्ड कंडीशन में फ्रीजिंग कोल्ड, इसको इतना ठंडा करते हैं फ्रिज के, जैसे यहाँ पे भी गर्म है और उसके बाद यहाँ पे कोल्ड होना शुरू हो जा रही है, इसके बाद वेपर्स बन के इस जगह पे आएगी इस कंप्रेशर्स में और देन यहाँ पे सेपरेटर्स भी होते हैं अलग अलग कंडीशंस में, CO2 आउट यहाँ से ड्राई गैस और CO2 अलग कर लेते हैं इस पहली चैम्बर में आते, उसके बाद जो बची हुई लिक्विड एयर है वो आगे की तरफ पास होने होती है, देन ऑक्सीजन हियर कलेक्टेड एंड द लिक्विड ऑक्सीजन दैट हियर कलेक्टेड। Okay, so that is a complete process of the friction distillation. Okay, clear? Separation of solid gas mixtures. This method is based on the prep that is a very fine solid particles in air can be a be settled by the welding with steam by the causing electricity such as smoke, dust and particles in the mines. और ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम सेपरेशन सॉलिड गैस की बात कर रहे हैं कि सॉलिड और गैस में, जैसे कि स्मोक की बात होती है, स्मोक में गैस भी और सॉलिड सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम अलग करते हैं, तो किस तरह से अलग कर पाते हैं, किस प्रोसेस से अलग कर पाते हैं, द मैथड वी ओपन द अडेप्टेड इंडस्ट्रियल एरियाज एंड हैव द पॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंट, तो फ्री जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जहाँ फैक्ट्री एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, बड़ी बड़ी चिमनी बनाई जाती है आपने देखा होगा, उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है और गैस स्टेट, तो वो आसपास डस्ट पार्टिकल्स, ब्लैक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, तो उनको हम सेटल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो यहाँ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बेस पे अगर बात करें, अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो फिजिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म एंड केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे नॉट फॉर्म यहाँ फॉर्म, फिजिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। नेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टेम्परेचर चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है।
हॉट अगर हीट एनर्जी की बात करें इट्स एब्जॉर्ब द गिव्स आउट वेरी लिटिल हीट, इसमें अगर जब चेंजेस आएगा तो बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, इट इज गिव्स आउट द लॉट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है। मास के रिगार्डिंग बात करें तो मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, यहाँ पे मास चेंज नहीं होता है इस कंडीशन में, बट केमिकल चेंजेस में मास चेंज हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है दिस इज द इजीली रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब होता है ये आसानी से चेंजेबल है, रिवर्सिबल का मतलब एक बार बन के भी वापस, जस्ट सपोज वाटर लिक्विड है और वो फ्रीजिंग करने के बाद में आइस बन जाएगा और आइस को हम जब मेल्ट कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो उस कंडीशन रिवर्सिबल इजीली, इट इज अ इरिवर्सिबल बट सम ऑफ द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल्स। ओके सो this is complete chapter and additional questions to discuss on WhatsApp classes, so complete this chapter, if any doubt, any queries, you cannot understand any topic, so please tell me, ask me on the WhatsApp group and for the class and going on, stay healthy and keep